हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी विल कवर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन जो होगा हमारा सेक्शन 152 सब सेक्शन सबसेक्शन सिक्स सो द रीज़न बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच अ प्रोविज़न इन स्टैट्यूट यानी लॉ में ये प्रोविज़न लाने की जरूरत कब पड़ी जब जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं यानी डायरेक्टर्स जो भी होते हैं वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं कर लें यानी जो भी डिसीजनस लें वो एकदम शेयर होल्डर्स के बेनिफिट में होने चाहिए ओके okay? बिकॉज एट द एंड shareholders are आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी ओके सो इस चीज़ से बचने के लिए इस सेक्शन को लाया गया क्योंकि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है डायरेक्टर एवरी एट एवरी एजीएम रिटायर होते हैं ओके okay? उसमें क्या होगा अगर शेयर होल्डर्स को अच्छी लगी उनकी परफॉर्मेंस तो वो उसको री इलेक्ट कर सकती है यानी रीअपॉइंट कर सकती है बट अगर शेयर होल्डर्स को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी उनकी देन दे कैन नॉट री अपॉइंटेड ओके यानी रीअपॉइंट करने की पावर किसकी है शेयर होल्डर्स की एट एजीएम तो इसीलिए इस सेक्शन को लाया गया ताकि डायरेक्टर्स पूरा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले लें और उनको एक प्रेशर बनावा रहे कि उनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है यानी उसको जो भी डिसीजन लेने हैं वो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए लेने हैं ओके नॉट फॉर देम सेल्प ओके सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस प्रोविजन नेक्स्ट अब क्या लिखा हुआ है लॉ में अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम यानी अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर एवरी एजीएम रिटायर होगा मतलब सारे डायरेक्टर एट एवरी एजीएम रिटायर होंगे और वापस रीअपॉइंट होते ही हैं तो, तो वो करेंगे अपन बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ देन नॉट लेस देन टू थर्ड यानी मिनिमम टू थर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे ऑफ पब्लिक कंपनी ओके ये सेक्शन एप्लीकेबल ही किस पे होगा ओनली एंड ओनली पब्लिक कंपनी पे सो नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यानी मिनिमम टू थर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगा उनका पीरियड ऑफ ऑफिस इज लाइबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन यानी उन पे वो लाइबल होंगे फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन ओके रिटायर होंगे नहीं लाइबल होंगे रिटायरमेंट बाय रोटेशन ये आपको आगे एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आ जाएगा बी पॉइंट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग वापस अपॉइंट भी हो सकते हैं अगर शेयर होल्डर्स उनको री अपॉइंट करें नेक्स्ट इसमें भी ये लिखा हुआ रिवेनिंग डायरेक्टर्स हैं वो भी अपॉइंट हो सकते हैं एट जी एम नाव सी पॉइंट अब ये जो मैंने बताया था ना मिनिमम टू थर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी शेल बी लाइबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन ओके तो ये टू थर्ड नंबर जो है वो लाइबल फॉर रोटेशन है बट ये जो टू थर्ड नंबर आप निकालेंगे ना कैलकुलेट करेंगे उसमें से भी वन थर्ड ऑफ सच डायरेक्टर्स क्या होंगे रिटायर होंगे समझे आप मतलब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमने कैलकुलेट कर दिए सबसे पहले देन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से टू थर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लाइबल फॉर रोटेशन ओके यानी जिन पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा ओके okay? और उन टू थर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से भी वन थर्ड जो होंगे वो रिटायर हो जाएंगे बाय रोटेशन सो नेक्स्ट अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जो हम नॉट लेस देन टू थर्ड लिखा हुआ है ना इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना लाइक टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ट्वेंटी है इसका अगर हमने टू थर्ड किया तो कोई पॉइंट में ही आंसर आएगा तो वो पॉइंट में आएगा ना तो हमें एक नंबर ऊपर ले लेना है ओके हमें राउंड ऑफ़ नहीं करना है राउंड ऑफ में तो क्या होता है लाइक फोर पॉइंट फोर आया तो हमने फोर कर दिया बट हमें इस केस में ऐसा नहीं करना बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है नॉट लेस देन ओके डैट्स वाई अगर फोर पॉइंट फोर या थ्री पॉइंट फोर कुछ भी आंसर आया तो हमें एक नंबर ऊपर ले लेना है लाइक फोर पॉइंट फोर है तो फाइव थ्री पॉइंट फोर है तो फोर ओके okay? तो ये टू थर्ड कैलकुलेट करते टाइम आप ध्यान रखना और ये जो वन थर्ड है ये कैलकुलेट करते टाइम हमें सिंपल राउंड ऑफ करना है नी यानी फोर पॉइंट फोर है तो फोर हो जाएगा एंड 4.5 है तो 5 हो जाएगा एंड 4.8 है तो भी 5 हो जाएगा ऐसे ओके okay? इसमें हमें क्या करना है एक नंबर ऊपर ले लेना है और वहाँ पे नियरेस्ट लेना है वन थर्ड में बिकॉज यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है नॉट लेस देन वन थर्ड बट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लेस देन टू थर्ड तो नॉट लेस देन मतलब अगर फोर पॉइंट फोर आ रहा है तो हम डायरेक्टर्स को आधा तो कर नहीं सकते तो डैट्स तो वाई एक नंबर हमें ऊपर ले जाना है ओके okay? नेक्स्ट इट इज टू बी नोटेड दैट द प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट बाय रोटेशन इज एप्लीकेबल टू ओनली पब्लिक कंपनीज और अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी यानी ये प्रोविजन एप्लीकेबल किस पे होगा पब्लिक कंपनी पे और जो प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिड्री है ऑफ अ पब्लिक कंपनी उस पे ओके एंड द आर्टिकल्स मस्ट प्रोवाइड दैट मिनिमम टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शेल बी लाइबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन सच डायरेक्टर्स आर कॉल्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स यानी इसमें भी पहले भी बताया था ना मैंने अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड यानी आर्टिकल में अगर लिखा हुआ है कि ऑल डायरेक्टर्स रिटायर होंगे ए जी एम पे तो, तो और बढ़िया बट अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है फिर भी टू थर्ड का तो लिखा हुआ ही होना चाहिए ओके बिकॉज टू थर्ड इज मिनिमम सो मिनिमम टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शेल बी लाइबल टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन ये लाइबल होंगे रिटायरमेंट बाय रोटेशन के जिन्हें हम कहेंगे रोटेशनल डायरेक्टर्स ओके नेक्स्ट अब जो मैंने टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कहा था ना आपको ये टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता देता हूँ सो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पहले सारे डायरेक्टर्स की टोटल कर दी उसमें से हमें लेस करना है क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा और किन किन पर नहीं होगा नॉमिनी डायरेक्टर्स पे भी नहीं होगा अपॉइंटेड बाय सीजी, एडिशनल डायरेक्टर पे भी नहीं होगा नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एनी थर्ड पार्टी लाइक कोई भी इंस्टीट्यूशनस वगैरह एंड अल्टरनेट डायरेक्टर पे भी नहीं होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे भी नहीं होगा एंड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स पर सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे ओके okay? सो बिकॉज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट लाइबल टू रिटायर बाई रोटेशन देयर फोर दे आर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स सिंपल तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपको पता चल गया कैसे कैलकुलेट होगा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो क्वेश्चन में दिए हुए उसमें अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड है वी हैव टू लेस ओके लेस करना पड़ेगा हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नेक्स्ट वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स टू रिटायर एट ए जी एम मैंने बता दिया जो टू थर्ड नंबर हमने कैलकुलेट किया था उसमें से वन थर्ड रिटायर हो जाएंगे टू थर्ड तो लाइबल होंगे रिटायरमेंट के लिए बट उसमें से वन थर्ड रिटायर हो जाएंगे वंस द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन इज डिटरमाइंड यानी जो टू थर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर हमने कैलकुलेट किए उसमें से ओनली वन थर्ड रिटायर होंगे इफ सच नंबर इज नी दर थ्री और नॉट इन मल्टीपल ऑफ थ्री देन द नियरेस्ट यानी मैंने बता दिया था ये नियरेस्ट करना है हमें जैसे फोर पॉइंट थ्री हो तो फोर कर देंगे और फाइव पॉइंट टू हो तो फाइव कर देंगे नियरेस्ट ओके बट फॉर कैलकुलेटिंग टू थर्ड जो टू थर्ड नंबर हमने कैलकुलेट करा था उसमें हमें क्या करना है नेक्स्ट मल्टीपल लेना यानी एक नंबर ऊपर लेना नेक्स्ट नंबर अब हम एग्जांपल करते हैं इससे आपको और ज़्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी सो खटखटा एडवाइजरी लिमिटेड कंस्टिट्यूटेड इट्स बोर्ड विथ ट्वेल्व डायरेक्टर्स अब देखो इसमें दिया हुआ है ट्वेल्व डायरेक्टर्स बट इसमें और इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन विच टू डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड वन डायरेक्टर इज नॉमिनी डायरेक्टर मैंने आपको बोला था ट्वेल्व डायरेक्टर्स में से हमें लेस करना होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नॉमिनी डायरेक्टर्स को और भी बहुत सारे थे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को इन सबको लेस करना होगा तो ट्वेल्व में से माइनस क्या कर देंगे टू एंड वन तो बचे कितने नौ तो नाइन इज द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ओके सो एज पर द प्रोविजन्स ऑफ सेक्शन वन फिफ्टी टू द कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट बाई रोटेशन शेल बी एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी और खटखटा कट एडवाइटरी लिमिटेड है ही पब्लिक कंपनी सो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स विटायर Which are liable to retire by rotation. Simple. it Total number of directors who are holding their office is twelve directors. Total 12 directors and but Musmikani lena independent director or nominee director. Or it should be noted that at least 2 number of that two-third of total number of directors shall be retired by sorry shall be liable टू रिटायर बाय रोटेशन ओके अब ट्वेल्व में से लेस कर दिया थ्री तो नाइन बचे नाइन शेल बी काउंटेड फॉर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अब इसमें से नाइन का टू थर्ड किया हमने तो सिक्स आ गया एग्जैक्ट ओके okay? तो इसमें तो अभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं नेक्स्ट या उससे अगले एग्जाम्पल में आएगी तो सिक्स आ गया अब सिक्स ये तो है जो डायरेक्टर्स हैं वो लाइबल फॉर रोटेशन ओके लाइबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन बट इस सिक्स में से भी वन थर्ड करेंगे वन थर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाइबल टू रिटायर ओके इसमें से वन थर्ड तो रिटायर हो जाएंगे सो सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन थर्ड टू डायरेक्टर्स शेल एक्चुअली रिटायर बाय रोटेशन एट टी जी एम टोटल ट्वेल्थ थे उसमें से लेस किया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को तो नाइन बचे नाइन में से उसका टू थर्ड निकाला तो सिक्स आया वो तो है लाइबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन उन पे ये वो रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं बट एक्चुअल में रिटायर कितने होंगे उसमें से भी वन थर्ड ओके यानी टू सिंपल होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं अ कंपनी इज हैविंग सिक्स डायरेक्टर्स ओके टोटल डायरेक्टर्स सिक्स है अब इसमें इंडिपेंडेंट वगैरह कुछ देनी रखी है इन्फॉर्मेशन तो हम ये मानेंगे इसमें इंक्लूड नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह सो कितने डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर होंगे बाय रोटेशन सिक्स मल्टीप्लाय बाय टू थर्ड फोर एग्जैक्ट नंबर आ गया ओके okay? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है फोर रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विच आर एक्चुअली रिटायर फोर मल्टीप्लाई बाय वन थर्ड तो आ गया 1.33 तो हमें नियरेस्ट करना है इसमें ओके वन थर्ड वाले में नियरेस्ट करना है और टू थर्ड वाले में नेक्स्ट ले नंबर ले लेना है अगर कुछ पॉइंट में आए तो ओके तो वन पॉइंट थ्री थ्री या तो नियरेस्ट कर दिया हमने वन तो वन डायरेक्टर जो है वो एक्चुअली रिटायर बाय रोटेशन हो जाएगा ओके एक और एग्जांपल ले, ले लेते हैं अ कंपनी इज हैविंग सेवन डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स लाइव टू रिटायर बाय रोटेशन कितने होंगे सेवन मल्टीप्लाई बाय टू थर्ड तो फोर पॉइंट सेवन आया तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर ले लेंगे फोर पॉइंट सेवन है तो नेक्स्ट ले लिया फाइव ओके बिकॉज फाइव नॉट लेस देन टू थर्ड हमें नॉट लेस देन टू थर्ड लेना है तो टू थर्ड है फोर पॉइंट सेवन तो कुछ और तो ले नहीं सकते तो फाइव लेना होगा ओके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू विच आर एक्चुअली रिटायर टू सॉरी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली रिटायर एट ए तो फाइव जो हमारे रोटेशनल डायरेक्टर्स आए थे उसको मल्टीप्लाई किया वन थर्ड से तो वन पॉइंट सिक्स सेवन आ गया अब नियरेस्ट लेना है हमें तो टू आ जाएगा ओके okay? तो दो डायरेक्टर जो हैं वो एक्चुअली रिटायर हो जाएंगे नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल कर लेते कंपनी इज हैविंग नाइन डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच थ्री आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओके टोटल नाइन डायरेक्टर है जिसमें से तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए सिक्स बिकॉज थ्री आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू बी एक्सक्लूडेड अब बाकी जो भी कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं सेम इसी तरह होगा पहले सिक्स का टू थर्ड होगा यानी कितना हो गया सिक्स का टू थर्ड फोर राइट और उसके बाद क्या करेंगे हम उसका वन थर्ड तो जो भी आएगा आंसर वो हो जाएगा एक्चुअल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर रिटायर ओके तो ये एग्जांपल आप कर लेना आंसर जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अब डी पॉइंट पढ़ लेते हैं अभी तक हमने ए बी सी पढ़े थे सो द डायरेक्टर्स एक्चुअली रिटायर बाय रोटेशन अब वो कैसे होगा है जैसे पूरा पड़ लेते हैं पहले फिर समझाता हूं द डायरेक्टर्स हुक् रोटेशन एट एवरी एजीएम शेल बी दो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट ओके इफ टू और मोर डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड ऑन सेम डे रिटायरमेंट बाई रोटेशन विल बी डिसम म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग क्या मतलब हुआ मैंने जो बताया था आपको टू थर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो लाइबल होते हैं रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए यानी रोटेशनल डायरेक्टर्स अब उसमें से ये डिसाइड कैसे करते हैं कि मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था सिक्स जो है वो रोटेशनल डायरेक्टर है उसमें से क्या वन थर्ड यानी टू रिटायर होंगे एक्चुअली तो वो डिसाइड कैसे करेंगे आपस में कि कौन रिटायर होगा वो होगा बाय टाइम पीरियड लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम चलेगा जैसे स्टॉक में नहीं हम करते थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया वही पहले जाएगा तो जैसे जो पुराना डायरेक्टर है जिसका अपॉइंटमेंट सबसे पहले हुआ है वही सबसे पहले जाएगा ओके तो ये मेथड हम अपनाएंगे और अब अगर सेम डे पे अपॉइंट हुए हैं दोनों ओके तब क्या करेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि भाई तू चला जा तो ऐसे कर लेंगे सेट अगर वैसे भी सेट नहीं होता है देन बाय लॉट लॉट यानी एक बॉक्स में चिट्स डालेंगे जो भी डायरेक्टर्स रिटायर लाइबल हैं रोटेशन के लिए और चिट निकालेंगे जिसका नाम आएगा वो रिटायर होगा ओके दिस इज़ मीन बाय लॉट सो समझ में आ गया होगा आपको नेक्स्ट एट ए जी एम एट विच डायरेक्टर रिटायर्स एफोसिट द कंपनी में फिलअप द वैकेंसी बाई अपॉइंटिंग रिटायरिंग डायरेक्टर और सम अदर पर्सन ओके जो भी पर्सन रिटायर होगा बाई रोटेशन एक्चुअली जो रिटायर होगा अब हम उसको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं ओके अगर हमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी देन किसी और पर्सन को भी री अपॉइंट कर सकते हैं सो दिस इज नोन एज फिल अप द वैकेंसी ओके सो ई पॉइंट भी हो गया नेक्स्ट अब दो कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ एक री अपॉइंटमेंट एक नॉन ऑडिशनल डायरेक्टर्स और उसके बाद एग्जामिशन फिर ये प्रोविज़न एंड हो जाएगा तो री अपॉइंटमेंट क्या होगा अ डायरेक्टर इज़ रिटायर्ड अ वैकेंसी इज़ क्रिएटेड ओके जैसे ही वो रिटायरमेंट होगा तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हमें री अपॉइंट करना पड़ेगा या तो रिटायरिंग डायरेक्टर या फिर कोई और डायरेक्टर ओके okay? नया अब वो जो नया डायरेक्टर हम अपॉइंट करेंगे ना वो सेक्शन उस पर कौन सा एप्लीकेबल होगा 160 सेक्शन 160 क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर यानी रिटायर जो हो रहा है उसके अलावा कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा ओके और द क्लॉज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फिलिंग द वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिटायरिंग डायरेक्टर्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कम नहीं पड़ने चाहिए बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए पब्लिक कंपनी में तीन ओके तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर तीन मिनिमम डायरेक्टर हैं तो आप जो रिटायर हो रहे हैं डायरेक्टर उसको नहीं भी अपॉइंट करोगे और कोई नए डायरेक्टर को भी अपॉइंट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा ओके बस बट अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का जो क्राइटेरिया है वो अगर शॉर्ट पड़ रहा है यानी आपके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम पड़ रहे हैं आपके तीन डायरेक्टर थे एक रिटायर हो रहा है और उसको फिर आपको रीअपॉइंट करना ही होगा हो अगर उसको नहीं कर रहे हो तो किसी नए डायरेक्टर को तो अपॉइंट करना ही होगा वाई बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का क्राइटेरिया भी आपको मीट करना है हाउ एवर सो एज लॉन्ग एज द क्लॉज रिगार्डिंग मिनिमम रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स इज फुलफिल्ड कंपनी में ऑल्सो रिजॉल्व नॉट टू अपॉइंट एनी वन इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर जैसा कि मैंने कहा जैसे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं आपके पास पाँच छः डायरेक्टर्स हैं या चार डायरेक्टर हैं ऑलरेडी देन अगर आप किसी को भी रीअपॉइंट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा ओके इनकेस ए जी एम इज़ नॉट हेल्ड ऑन ड्यू डेट देन द रिटायरमेंट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स कैन नॉट बी पोस्ट अगर ए जी एम जो है वो ड्यू डेट हेल्थ नहीं होती है यानी नहीं होती है तो भी रिटायरमेंट होगा उस रोटेशनल डायरेक्टर का जो एक्चुअली रिटायर है होगा हो होना चाहिए ओके द डायरेक्टर्स वो आर लाइबल टू रिटायर मस्ट वेकेट करना पड़ेगा उसके ऑफिस को इमीजिएटली उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ए जी एम आगे होगी तो जब ए जी एम होगी तब देखेंगे ऐसे नहीं हो चलेगा उस जो भी रिटायरमेंट होगा वो हाथों हाथ करना पड़ेगा एजीएम भले ही पोस्टपोन हो गई हो फिर भी जो पहली एजीएम जिस डेट को होनी चाहिए थी उसी डेट को उसको रिटायर होना पड़ेगा और वेकेट करना पड़ेगा अपने ऑफिस को ओके ना नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स क्या होते हैं वो जो वन थर्ड हमने कैलकुलेट किया था ना और लेस द नंबर ऑफ टोटल ऑफ टोटल डायरेक्टर्स यानी टोटल डायरेक्टर्स में से कितने हमने किए थे रोटेशनल डायरेक्टर्स टू थर्ड और टू थर्ड को हटा दें अगर टोटल से तो कितना बचेगा वन थर्ड तो वन थर्ड और लेस नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर्स आफ्टर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स आर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन ओके वन थर्ड जो होते हैं रिमेनिंग वही होंगे हमारे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स बिकॉज टू थर्ड क्या होते हैं रोटेशनल डायरेक्टर्स तो बचे हुए क्या हुए नॉन रोटेशनल सिंपल दे मे ऑल्सो भी अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो सकते हैं और एज पर द प्रोविजंस लिखे हुए जो आर्टिकल्स में सेम चीज वही अपॉइंटमेंट सबका जनरल मीटिंग में ही होगा अब एग्जामेशन कौन कौन सी कंपनीज को दिया गया गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू कंडीशंस वो हमेशा जो हमारी कंडीशंस होती है सेक्शन 137 में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एंड सेक्शन 192 में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए 192 क्या है एनुअल रिटर्न का 137 क्या है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओके सो एग्जैम्पन है किसको गवर्नमेंट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को तो ये था प्रोविजन रिटायरमेंट बाय रोटेशन का आप एग्जाम्पल्स कर लेना अच्छे से डैट इज़ ए ओके इसमें कई काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आते हैं लाइक दिस एंड कुछ बड़े एग्जांपल्स भी आ सकते हैं तो जैसे ये ये वाला एग्जांपल इम्पॉर्टेंट था फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू